हेलो एवरीवन, दिस इज गीतांजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सबके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर मास्क रूटीन। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपना प्रॉपर हेयर केयर रूटीन आपसे शेयर किया था। मैंने बताया था कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ, कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, कौन सा मास्क। उसमें मैंने काफी सारे ऑप्शन भी दिए थे, आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लेकिन जो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वो प्रॉपर हेयर मास्क के बारे में बात करेंगे। मैं हेयर मास्क हर 10 दिन में एक बार जरूर अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। आप हेयर मास्क घर पे DIY करके भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हेयर मास्क हैं, बहुत सारे मैंने भी ट्राई किए, मुझे बहुत कुछ मेरे फेवरेट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे लिए मतलब कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। आप हेयर मास्क को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जो प्रॉपर स्पा का मेथड होता है कि पहले अपने बालों को अच्छे से ऑयल करें, फिर स्टीम देके उसको वॉश करके तब आप इसको अपने हेयर्स पर अप्लाई करें। जो दूसरा सिंपल सा मेथड है कि अपने बालों को डैम करके उसके ऊपर इसको अप्लाई करना, वो मैं यूज करती हूँ जनरली, क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इतना टाइम जनरली लोगों के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं रहता है। और जो ये मेथड है वो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ उसको अपने बालों पे अप्लाई करके 20 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है, आप उतनी देर में अपना कोई भी काम कर सकते हैं और फिर उसको बाद में वॉश करना रहता है। अब बात करते हैं मेरे करंट फेवरेट हेयर मास्क की, वो है ये क्लास नेचुरल का अनियन एंड केराटिन हेयर मास्क। ये बहुत अच्छा हेयर मास्क है और इसमें जो केराटिन है उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। मेरे बालों का पूरा इसने टेक्सचर चेंज कर दिया। क्लास नेचुरल की जो अनियन रेंज का जो ऑयल है वो भी बहुत अच्छा, उसने मेरे हेयर फॉल में बहुत हेल्प की थी और ये हेयर मास्क भी बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने स्मूथ हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि हाँ आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपके बाल इतने स्मूथ और इतने शाइनी रहते हैं। मेरे बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा नहीं है इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ आप जो इस तरीके के मार्केट के हेयर मास्क आते हैं इसको आप बहुत इजीली मतलब DIY में, हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको घर पे चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये नहीं, अपनी पसंद का कोई सा भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूट करता हो, आप वो मास्क ट्राई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। जो ये पर्टिकुलर हेयर मास्क है ये मेड इन इंडिया है। ये 200 ml की जो पैक है ये आपको मिलता है 449 rupees का। ये आपको Amazon पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें है अनियन, केराटिन, मेथी, भृंगराज, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और क्लास नेचुरल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 90% नेचुरल। ओके, तो हेयर मास्क को अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को 2 equal partitions में डिवाइड कर लूँगी और उसको अच्छे से डिटेंगल कर लेंगे एक हेयर ब्रश की हेल्प से। बालों को डिटेंगल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बालों में टेंगल्स रह जाएंगे तो जब आप हेयर मास्क अप्लाई करेंगे और वॉश करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो उससे बचने के लिए मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे से डिटेंगल हों। इस मास्क को डैम्प हेयर्स पे अप्लाई करना है इसलिए मैं एक स्प्रे बॉटल की हेल्प से अपने बालों को अच्छे से डैम्प कर रही हूँ। अब बारी आती है हेयर मास्क की, तो कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर है। इसको मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से बालों के स्मॉल स्ट्रैंड्स लूँगी और उस पर अच्छे से अप्लाई करती जाऊँगी। हेयर की जो टिप्स हैं उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज जो होती हैं वो टिप्स होती हैं, वो इसमें स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, इसलिए उसको एक अच्छे नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो टिप्स को तो बहुत अच्छे से कवर करना है और एक अपने हाथों से ही कोम करते हुए चलना है, इससे ना सारे बालों में अच्छे से स्प्रेड होता जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है। Thank you.
सारे बालों को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है। बालों को जब हो जाए पूरा फिनिश तो अच्छे से टाई कर लेना, एक बन आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लचर से बालों को सिक्योर कर रही हूँ और इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है आपको, और उसके बाद इसको आप शैम्पू से वॉश कर सकते हैं और आपके बाल बहुत अच्छे आपको फील होंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं मेरे कॉन्टेंट को इम्प्रूव करने में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।